व्हाट इज़ अप फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये रही हमारी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैं इसकी हेडलाइट के ऊपर यहाँ पे जो है ग्रिल लगानी है मेरे को, जो अभी यहाँ पे लगी नहीं है, और साथ साथ ये जो इंडिकेटर्स हैं इनके ऊपर भी लगानी है और बैकलाइट के ऊपर भी लगानी है। तो आज हम जो है इसके लिए जो है ग्रिल लेने ही जा रहे हैं, तो फटाफट से आज चलते हैं। वैसे अभी मैंने वॉश करी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी गंदी हो गई थी ना इस वजह से मैंने वॉश कर दी। तो फिलहाल अभी चलते हैं इसके लिए ग्रिल लेके आते हैं। कभी मैंने गोप्रो को हेलमेट के ऊपर यहाँ माउंट कर दिया है और ये थी हमारी चाबी। तो फटाफट से हम अपने बाइक को पहले तो बाहर निकालते हैं यहाँ से, और अब करते हैं यहाँ पे बाइक को स्टार्ट। तो ये चाबी ऑन ऑन एंड स्टार्ट। तो फटाफट से पहले मैं स्टार्ट लगा देता हूँ ये वाला, फिर चलेंगे यहाँ से, कोई ज़्यादा ही रेडी होगी ना बाइक। तो स्टार्टर तो लगा दिया है, अब चलते हैं फिर लेके आते हैं इसकी ग्रिल आगे की। तो यार दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे हाईवे पे तो पहुँच चुका हूँ, और जो ग्रिल मैं अभी लेने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है, मैं ऑफलाइन खरीदने नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि जो ग्रिल मेरे को चाहिए थी वो यहाँ पे ऑफलाइन कहीं भी मेरे को मिल नहीं पाई, क्योंकि मुझे चाहिए थी ग्रिल जिसमें जो है कैप, मतलब मुझे निकालनी ना पड़े, मतलब मुझे कैप कट वाली ग्रिल चाहिए जिसके अंदर कैप ऐसी फिट हो जाए, मतलब कैप के ऊपर ही फिट हो जाए, कैप ना निकालनी पड़े। तो वो यहाँ लोकली मुझे कहीं भी मिल नहीं पाई, इस वजह से मैंने ऑनलाइन मंगाई। तो आप सोच रहे हो कि अभी मैं फिर जा कहाँ रहा हूँ उसको लेने के लिए, वो तो फिर घर ही आनी चाहिए ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं कुछ टाइम से घर पर था नहीं, इस वजह से जो मैंने ऑर्डर करा वो सीधा मैंने अपने भाई के स्टूडियो में ही करा। तो अभी मैं वहीं से लेने जा रहा हूँ कि वहाँ पर आ चुका है ना, इस वजह से मैं वहाँ पर उसको लेने जा रहा हूँ। तो फटाफट से अभी वहाँ से उसको लेके आता हूँ और फिर साथ साथ इसको लगाता हूँ। बाई चांस आपको ये बाइक नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन को लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। बाकी अब क्वालिटी वगैरह किस तरह से फिट करें सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ अभी। तो पहले फटाफट से मैं उसको लेके आता हूँ, उसकी मतलब कि अपने स्टूडियो में जाके उसको ले आता हूँ जाके। तो यार अभी मैं स्टूडियो में तो पहुँच चुका हूँ, तो फट से ग्रिल उठाते हैं यहाँ से और चलते हैं फिर वापस। तो ये रहा हमारा पार्सल, तो अभी चलते हैं वापस। अभी घर पे जाके मैं ओपनली आपको इसको फिट करके दिखाऊंगा अभी किस तरह से इसकी फिटिंग आ रही है और क्या क्या प्राइसिंग मुझे पड़ी है यहाँ पे इसकी। ओ इधर तो पूरा इधर आ गया। हाँ तो अभी घर जाके पूरा फिट करके दिखाऊंगा, और साथ में लिंक तो आपको पता ही डिस्क्रिप्शन में है ही है। बाकी इसकी फिटिंग वगैरह और क्या प्राइसिंग है सब कुछ मैं घर जाके बताऊँगा। पहले फटाफट से मैं घर पहुँचता हूँ इसके, और फिर फिटिंग का सब कुछ देखेंगे और किस तरह लग रहा है हमारा सब फिट करने के बाद, वो भी देखेंगे घर जाके इसको। तो अभी घर तो मैं पहुँच गया हूँ वापस, तो मैं सोच रहा हूँ बाइक कहाँ खड़ी करूँ, यहाँ खड़ी कर देता हूँ बाइक, और इसको कर देते हैं बंद और बंद, और यहाँ पे डबल स्टैंड पे कर देता हूँ इसको खड़ी, क्योंकि छोटे स्टैंड पे इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुश्किल तो नहीं होगा पर ढंग से दिख नहीं पाएगा ना, इसलिए इस पार्सल करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या मिला है इसके अंदर। यहाँ चाबी निकाल लेता हूँ पहले। तो यार ये रहा हमारा यहाँ पे पार्सल, इस पहले इसकी जो है सील्स वगैरह टेप जो लगी हुई इसको तोड़ देता हूँ मैं, मतलब खोल देता हूँ, काट देता हूँ, मतलब कि कमेडे बंदे बोलते तोड़ते नहीं है ऐसे कुछ होते। तो अभी मुझे पहले कोई पहनी चीज़ है नहीं, तो इस वजह से चाबी से ही करना पड़ता है, क्योंकि चाबी से ही बढ़िया कट रही है। तो इसको ओपन करने के बाद देखते हैं साइड में, पहले तो ये गत्ता सा है, इसको भी साइड में लेते हैं। इसके अलावा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सब कुछ हमारा जो भी हमें चाहिए। तो इसको करते हैं यहाँ से ओपन, इसको भी इधर घेरते हैं, और बबल रहता है, अच्छा सा लग रहा है, खैर कोई नहीं। अच्छा यार ये मेटल का होता है, मुझे आज पहली बार पता लगा, मैं दिखाऊँ आपको। तो एक मिनट रुको यार, यार इसमें कम नहीं है क्या, ये सारे हैं दो दो शायद, हाँ पूरे हैं, पर ये मेटल का है, मुझे लगा ये जो होता है ना ये प्लास्टिक का होता है, पर यार ये तो मेटल का काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मजबूत भी है। ये देखिए इस तरह ही ग्रिल है थोड़ी सी, और यहाँ पे देखिए ऊपर, इसमें ये फ़ायदा है कि हमें ना इसमें कैप की ये जो क्या कहते हैं ग्रिल सी मिल जाती है जिसके अंदर कैप निकल जाएगी, हमें कैप को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको भी ये बाय करना है ना, तो जिस चीज़ में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ इसको बाय कर सकते हैं। हमें टोटली 1500 का पड़ा है, बाकी अभी क्या प्राइस चल रहा है पता नहीं, लेकिन आप अभी खैर 1500 का चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता बढ़ जाए या कम हो जाए, तो आप देख लीजिएगा उस टाइम, इस चीज़ में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये रही पहली चीज़ हमारी ग्रिल। उसके अलावा हमें यहाँ पर दो चीज़ें और मिलती हैं, क्या चार पाँच चीज़ें हैं दोस्तों, बस स्क्रूज मिलते हैं कि नहीं आपका नहीं पता। वैसे तो जब मैंने इसमें देखा था ऑनलाइन वहाँ पे तो स्क्रूज दिखा रहे थे, पर इसमें तो मुझे कोई स्क्रू दिख नहीं रहा है, क्या अब तो हो इसके अंदर कहीं पड़ा हुआ। हाँ
हाँ नहीं मतलब कि अभी उसके अंदर हो सकता है। ये रही हमारी यहाँ पे जो फ्रंट लाइट, दो लाइट है उनके ऊपर लगी हुई है ये दोनों चीज़ें, इसको वैसे साइड में। बाकी ये दो इंडिकेटर के हैं हमारे, और ये बैक की ब्रेक लाइट, बाकी इसमें भी शायद दो ही होंगे वो जो इंडिकेटर के ऊपर लगेंगे, जो बैक वाले इंडिकेटर हैं दो फ्रंट में लगेंगे ना और दो बैक में लगेंगे। पहले तो इसको निकाल देता हूँ मैं। बाकी दो इंडिकेटर के ही हैं जो बैक में लगेंगे, ये दो फ्रंट वाले हैं जो मर्जी लगा दो। बाकी उसके साथ हमें अच्छा ये है, हल्की सी चाबी, हल्की सी नहीं मतलब कि छोटी सी चाबी है, और इसमें छोटे छोटे स्क्रूज भी हैं जो शायद इसको टाइट करने काम आएंगे। बाकी अभी इसको लगा के देखते हैं कि कैसे लगेगा, मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार लगाऊंगा तो खैर अभी लगा के लगेगा किस तरह से लगेगा। चलते हैं एक बाइक के पास अभी। अभी यार हम बाइक के बैक साइड पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। फ्रंट साइड पर मैं लगा देता लेकिन फ्रंट साइड पर जरा शायद बड़ा स्क्रू लगेगा, तो पहले मैं सोचा बैक साइड पर लगा देता हूँ, उसके बाद लगाऊंगा फ्रंट साइड पर। तो बैक साइड पहले हमारी ये वाली ग्रिल लगेगी यहाँ पे, ऐसे लगेगी उल्टी लगेगी, आई थिंक उल्टी लगेगी। तो यहाँ तो कुछ इस तरह से ये फिट होगी, तो यहाँ पे फिट हो चुकी है। अब यहाँ पे साइड साइड में दो स्क्रू लगेंगे छोटे छोटे, मैं आपको पास लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो छोटे छोटे दो स्क्रू लगे, एक स्क्रू यहाँ पे लगेगा और एक स्क्रू इस साइड भी लगेगा, बाकी जो स्क्रू इसके साथ मिले हैं वो लगेंगे इसके साथ। बाकी मैं इनको भी यहाँ पे फिट कर देता हूँ, उसके बाद स्क्रू लगाऊंगा। तो सीधा किस साइड से है, दोनों साइड सीधा ही है मेरे ख्याल से। ये भी लग गया, और दूसरी साइड भी लगा देते हैं इसको, तो ये भी सीधा हो गया ना। तो अभी देख सकते दोनों साइड यहाँ पे लग चुके हैं, बाकी अभी स्क्रूज बचे हैं तो स्क्रूज भी अभी लगा देते हैं, या स्क्रूज लास्ट में लाएंगे, पहले सब कुछ फिट कर लेते हैं, या अभी लगा देते हैं, बार बार क्यों बाद में क्यों करना। तो मैं इसकी टेप यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसके स्क्रूज़ की। हमें एक छोटी सी ये चीज़ मिलती है जिससे जो स्क्रू वगैरह टाइट होंगे हमारे। तो अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, देखिए ये हैं वो स्क्रू, एक दो मतलब टोटल 10 स्क्रू मिले हैं। ये छोटे छोटे स्क्रू में अगर एक पास लगे जाता हूँ ना, तो ये छोटे छोटे इसके साथ जो स्क्रूज़ मिले हैं जो अभी हमने जो है यहाँ पे इस जगह पे फिट करने हैं। तो फटाफट से मैं सब में एक यहाँ पे आएगा, एक दूसरी साइड इस साइड आएगा, एक यहाँ पे उसकी भी दूसरी साइड, सब में दोनों साइड ऐसी होगा। तो फटाफट से मैं ये जो स्क्रू है इनके फिट कर देता हूँ, और इन स्क्रू को टाइट करने के लिए मुझे ये इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे मैंने ये सब तो फिट कर दिया, दोनों स्क्रू यहाँ पे दोनों साइड स्क्रू लग गए हैं, इसमें दोनों साइड लग गए हैं, इसमें एक साइड लगा, और यहाँ पे ये जो स्क्रू है ना शायद ज़्यादा ही टाइट कर दिया, इस वजह से ये पूरा फ्री हो चुका है। देखिए पूरा ऐसे घुमाता रहता हूँ और कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी स्क्रू लग ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो ये वाला स्क्रू फिट हो गया, जब भी आप अगर आप लगाएंगे तो जब स्क्रू लगा रहे होंगे इसको ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, एक लिमिट में ही टाइट कीजिएगा, वरना आपकी जो इसकी चूड़ियाँ हैं वो फ्री हो सकती हैं, स्क्रू पूरा ही फ्री हो सकता है। और देखिए लग ही नहीं रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, चलो बाद में करूँगा। और मुझे लग रहा है बारिश भी यहाँ लग रही है, तो उसका भी देखना पड़ेगा। तो ये वाला पहले मैं लगाता हूँ आगे, बारिश भी यार लगी गई वैसे तो, ये देखिए बेड़े गिलाने लग गया है। तो शायद क्या मैं काम करता हूँ, बाइक को अंदर कर लेता हूँ, अंदर जाके लगाते हैं इसको। तो नहीं, बाइक को मैंने यहाँ पे कर दिए अंदर, पहले फटाफट से मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ कि उनमें जरा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए वो लास्ट में लगाऊंगा। तो इंडिकेटर वाला यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। अभी मेरा स्क्रू बचा टोटल 5, क्योंकि एक पीछे वाला फ्री हो गया था, बाकी के 4 तो इसमें लगेंगे इंडिकेटर में। तो फटाफट से पहले मैं ये लगा देता हूँ, और बाहर तो बारिश लगी रही है खैर, और शायद बारिश और तेज़ हो रही है, खैर कोई बात नहीं। तो ये दोनों लग चुके हैं, और फटाफट से इनके ऊपर जो है, इनके अंदर जो है ये स्क्रू लगा देते हैं, इसकी स्क्रू है, तो उनको फटाफट से लगा के टाइट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ मैं दोनों हेडलाइट की नहीं इंडिकेटर ग्रिल लगा दी है, और मैंने ध्यान रखा है कि मैं ज़्यादा टाइट ना करूँ, और ज़्यादा टाइट करूँगा तो ये जो है यहाँ से क्या कहते हैं फ्री हो जाएगी। तो चार मेरे नट यहाँ पे लग चुके हैं, 10 में से अब मेरे जो है 9 नट यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं, बस अभी एक ही नट बचा है जो पीछे का जो फ्री हो गया था। और इनमें जो है इनमें क्या करेंगे, इनमें लगे जाइए तो इनकी ये वाले जो क्या कहते हैं हेडलाइट के जो स्क्रूज हैं वो निकालने पड़ेंगे इसको लगाने के लिए। ये जो दो चीज़ें हैं ये जो यहाँ लगेंगी इस जगह पे, और इसके भी यहाँ पे स्क्रूज निकालने पड़ेंगे मेरे को। पहले मैं दिखाया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी इसकी, और ये इसके ऊपर ऐसी ही लग जाएगा। अभी पहले स्क्रूज निकालने पड़ेंगे, उसके बाद यह है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ये कैप, मुझे सबसे बड़ी चीज़ इसकी कैप नहीं निकालनी पड़ेगी। तो मैं पास लगा दिखाता हूँ पहले आपको ऐसे। तो यहाँ पे मुझे ये जो इन चीज़ों को लगाने के लिए, इस चीज़ को यहाँ पे लगाने के लिए मुझे ये जो स्क्रू है वो निकालना पड़ेगा, इसका ये वाला स्क्रू और इसका ये वाला स्क्रू। और हेडलाइट के मुझे यहाँ पे दो स्क्रू निकालने पड़ेंगे, एक ये वाला स्क्रू मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, और साथ साथ एक दूसरा जो स्क्रू है ये वाला स्क्रू यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारा ये वाली जो ग्रिल है वो इसके ऊपर फिट हो पाएगी,
क्योंकि ऐसे मैं यहाँ पे देख लगा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे ये जो नट है वो फंसेगा, और टाइट भी इसी नट के बाद ही होगा ना, क्योंकि इसके साथ इसको टाइट करने के लिए इसके अलावा यहाँ पे कोई और नट नहीं है ना, इस वजह से इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे स्क्रू जो है इसके टूल बॉक्स से ही निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से टूल बॉक्स कसकर बाहर निकालता हूँ। तो ये रहा हमारा यहाँ पे टूल बॉक्स जो रबड़ से बना हुआ है। तो ये रहा हमारा टूल बॉक्स, इससे जो हम अपना वो निकालते हैं स्क्रू ड्राइवर जो हमको चाहिए, ये वाला। तो इसकी मदद से हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ से मैं पहले इसको खोल देता हूँ, काफ़ी टाइट आ रहा है, एक साथ से नहीं खुलेगा। तो यार अभी इनके दो स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट है, ऊपर से यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पसीना पसीना हो गया। तो मतलब दिखाऊँ अगर मैं, तो एक तो ये वाला स्क्रू बहुत टाइट है, ये तो खैर खुल गया थोड़ा बहुत, और ये भी बहुत ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल नहीं खुला वो वाला। तो उस साइड वाला मैंने ट्राई नहीं करा अभी तक, पर इसी ने मेरी जान निकाल रही कि खुल ही नहीं रहा। और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। और बाहर बेशक बारिश दिखा रहे हैं, देखो बारिश हो रही है, लेकिन मेरे को देखो पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है। तो यार फटाफट से मतलब कुछ करता हूँ उसको खोलने का। मैं घर से भी स्क्रू ड्राइवर ले आया, मैंने सोचा इससे खुल गया, पर इससे भी थोड़ा बहुत घूमा है, बाकी देखते हैं और ज़रा जोर लाए फिर शायद क्या तो खुल ही जाए, क्योंकि इसके अपने स्क्रू ड्राइवर से तो खुल नहीं रहा था। अभी इससे थोड़ा देर और ट्राई मारता क्या पता खुल ही जाए। तो यार मैंने इसको खोलने की तो बहुत कोशिश करी, पर ये तो मेरा खुला ही नहीं। ये वाला खुल चुका है स्क्रू, तो यहाँ पर मेरा ये लग जाएगा आराम से। और साथ साथ ये वाला स्क्रू है मेरा पेचकस से तो खुला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये प्लास लेके आया था, प्लास की मदद से मैंने इसको खोला, काफ़ी ज़्यादा जोर लगा लेकिन खैर खुल गया, ये भी खुल गया। तो इतना पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, इतना सा गैप लगे काफ़ी है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा वो जो ग्रिल है लग जाएगी। और इसको लगता है कहीं बाहर से मुझे खुलवाना पड़ेगा किसी मैकेनिक वगैरह से, वही खोल पाएगा, क्योंकि मेरे उसकी बात तो है नहीं है, पर मेरे से तो खुल नहीं रहा। उनका थोड़ा लंबे वाला स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उनसे ईजिली खुल जाता है, मेरे बात तो लगभग स्लिप ही कर रहा है बार बार। बाकी ये खुल चुका है तो इस पर ये लग जाएगा, तो मैं फटाफट से इसको लगाता हूँ, साथ साथ बड़ी जो ग्रिल है हमारे हेडलाइट की वो भी लगा देते हैं इसके ऊपर। यानी कि जो स्क्रू का साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा है, तो वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसके अंदर जो मेरा स्क्रू जा नहीं रहा है। तो मैंने इसका स्क्रू साइज़ तो यहाँ पे बड़ा कर दिया, जिसमें अब जो है स्क्रू आराम से जा रहा है इसके अंदर। बाकी अब इसका बचा है, इसका भी फटाफट से कर देता हूँ, और फिर इसको स्क्रू को इसके ऊपर फिट कर दूँगा। तो अभी मैंने दोनों को मतलब दोनों ही जो कैप्स ही हैं उन दोनों को इस नट के साइज़ से कर दिया है। अब ये इसको मैं इसके ऊपर यहाँ पर लगा के इसको यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। तर मुझे अभी इसकी एक चीज़ और पता लगी, हमें जो इसकी ये चीज़ लगाने के लिए जो ऊपर की जो कैप सी है उसके लिए हमें जो इसकी पहली जो लगी हुई जो ग्रिल सी है मतलब कि जो जो भी है ये वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो लगेगी वरना वो फिट नहीं होगी। और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, जो दूसरी साइड है उसकी ये वाली जो पहली सी जो मेडरसा लगा हुआ है इसको निकाल के इसकी जगह पर वो वाली जो कैप सी है वो लगेगी। लेकिन बाकी इसके ऊपर लगा देते हैं अभी हम, क्योंकि ये तो अभी इसको खुल नहीं रहा है तो इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो लग गया है। तो अब इसके ऊपर यहाँ में सबसे बड़ी चीज़ की मुझे यही लगी कि इसमें ऊपर जो कैप के लिए यहाँ पे स्पेस दे रखा है, तो हमें बस इसके ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे फिट कर देना है, साइड से नट देखने की फिट हुए परफेक्टली कि नहीं। और बस हमारी ग्रिल यहाँ पर कम्प्लीटली फिट हो चुकी है, और अब हमें बस क्या करना है, ये जो साइड की जो नट है इसके उनको यहाँ पर टाइट करना है। और देख सकते हैं आप यहाँ परफेक्टली फिट हो चुकी है। तो पहले मैं फटाफट से इसके नट को टाइट करता हूँ, फिर आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा कि हमारा बाइक किस तरह का लग रहा है। अभी मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये टाइट हो जाएगा मेरे से कि नहीं, क्योंकि पहले तो हुआ नहीं था, बाकी अभी घूम तो रहा है तो टाइट तो हो जाना चाहिए। हाँ यार, अभी जितना मेरे से टाइट हुआ मैंने कर दिया था, पूरे जो कर दिया, पेंच कस से करा, उसके बाद प्लास से भी करा, क्योंकि पेंच से ढंग से जो है टाइट हो नहीं रहा था। बाकी आप देखते हैं इसकी फिटिंग कैसी है, मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ इसको टाइट करते करते। आपने अगर बाइक किया तो खुद बिल्कुल मत कीजिएगा, कहीं किसी बाइक का या फेयर शॉप या किसी जगह पर चल जो इसको अच्छे से फिट करे, जिसको रेगुलरली करते हैं उनके पास लेके जाए करवा दीजिएगा, कि खुद ये करना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। मुझे पहले पता होता कहीं बाहर से ही करवाता, वैसे मैंने वीडियो शूट करी इस वजह से खुद करना पड़ा सब कुछ, लेकिन आप जो कहीं बाहर से ही करवाइए, क्योंकि खुद करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलेगा, कई बार खुलता नहीं है नट, काफ़ी ज़्यादा जोर लगाए जाते हैं। अभी जो मैंने प्लास से खोला था नट, लेकिन नट जो है डैमेज हो चुका है, तो अभी मुझे लगता है दोबारा खुल पाएगा ढंग से नहीं। बाकी खुल गया तो अच्छी बात है, मैं चेंज करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसी कोई दिक्कत आई तो। पर फिलहाल जो नट दोबारा मुझे लगता है दोबारा जरूरत नहीं पड़ी खोलने की, पड़ी भी तो नट ला दूँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी ये रहा है, ये तो मेरे से अभी तक खुला ही नहीं है, पूरा जोर लगा दिया मैंने खुला ही नहीं,
और इसको कहीं बाहर जाके ही लगवाना पड़ेगा। बाकी आगे से कुछ इस तरह का है, बाकी एक दो बार ट्राई मार के देखता खुल गया ठीक है, और उसके बाद मैं आपको जो है मतलब कि फिर आपको दिखाता हूँ अभी कि किस बाहर निकालता हूँ पहले बाइक को, फिर दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। बाहर बारिश हो रही है पर खैर कोई बात नहीं, इतना चलता है बारिश में और अच्छा लगेगा बाइक। चलो मैंने बाइक को यहाँ बाहर निकाल दिया है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की यहाँ पर इसकी लुक आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसकी यही लगी यार, किसी कैब ने मुझे खोलनी पड़ी तो काफ़ी बढ़िया सी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। बाकी सामने देख सकते हैं साथ में ये है क्या कहते हैं साइड लाइट मतलब इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर, ये वाली लाइट, इसकी तो ग्रिल निकालनी पड़ी मुझे मतलब जो था पहले लगा हुआ, ऐसा ऐसा सारी चीज़। खैर ये खुल नहीं रहा वैसे, काफ़ी जोर लगाया उसके बाद दोबारा से मैंने, फिर भी नहीं खुल रहा और बारिश में तो खैर और भी बढ़िया लग रहा है। अब स्टार्ट कर भी दिखाऊंगा आपको मैं जब लाइटें वगैरह ऑन करके। बाकी बैक साइड से आप देख सकते हो कुछ यहाँ इस तरह से इसकी फिटिंग आई है। और अब जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फटाफट से पहले तो यहाँ पर इग्निशन ऑन और ये हो गया स्टार्ट, लाइट्स ऑन और ये भी हाई बीम पे कर दे सेट। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लाइटें वगैरह जग रही है, सब इंडिकेटर भी जग रहे हैं, इसके लाइटें भी जग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी लुक यहाँ पे आ रही है हमारी बाइक की। और बैक साइड से दिखाऊंगा अगर मैं आपको तो बैक साइड से भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लुक आ रही है हमारी बाइक इस टाइम। और बारिश में तो यार और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, यहाँ से देखा ना इस साइड से क्या मस्त लग रहा है यहाँ से। पर खैर कोई बात नहीं, अगर आपको ये वाले क्या कहते हैं ग्रिल वगैरह खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में फिर बता देता हूँ दोबारा से कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, 1500 का मैं टोटल पड़ा है ये सेट, आप चाहें तो वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं। बाकी प्राइसिंग वगैरह देखना चाहिए किस तरह का है, बाकी सब कुछ आप वहाँ देख देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर बस फिर आज के व्लॉग में इतना ही, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया लाइक करें शेयर करें मेरे साथ सब्सक्राइब करें ऐसी और व्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।